कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। चारा घोटाले से जुड़े हुए दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने जमानत मांगी है। लालू ने बीमारी का हवाला देकर याचिका दाखिल की है और याचिका में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई में भी जमानत मिल चुकी है और याचिका में अनुरोध किया जा रहा है कि सजा की अवधि का आधे से अधिक समय जेल में बिता लिया है और लालू को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई थी। अब तब से वो जेल में है और पिछले 17 मार्च को उनकी तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के 6 हफ्ते की जमानत मंजूर की थी, इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त को लालू को कोर्ट से सरेंडर करने का निर्देश दिया। इसके बाद से लालू